प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में ट्यूटोरियल क्वेश्चन ऑन द एसेंट्रिकली लोडेड वेल्डेड जॉइंट व्हेन द स्ट्रेस आर ऑफ द सेम नेचर। ट्यूटोरियल क्वेश्चन है, ए ब्रैकेट कैरिंग ए लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन इज टू बी वेल्डेड एज शोन इन फिगर 1। फाइंड द साइज ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड इफ द अलाउबल शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 80 मेगा पास्कल। ये फिगर एक में दिखाया हुआ है कि एक ब्रैकेट है कैरिंग ए लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन, इस पर एसेंट्रिक लोड जो है वो 15 किलो न्यूटन का लग रहा है। इज टू बी वेल्डेड, इसको इस प्लेट से वेल्ड किया हुआ है। फाइंड द साइज ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड, अब इसमें साइज ऑफ वेल्ड ये एस जो है ये हमें फाइंड आउट करना है कि साइज ऑफ वेल्ड कितना है। ये एस, ये साइज एस जो है वो एस डिस्टेंस कितनी है। नाउ फाइंड द साइज ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड इफ द अलाउबल शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 80 मेगा पास्कल, मतलब ये जो वेल्डेड मटेरियल है इसमें अलाउबल शियर स्ट्रेस जो है वो 80 मेगा पास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 80 न्यूटन पर प्रति मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा शियर स्ट्रेस इसमें नहीं हो। तब हमें साइज ऑफ वेल्ड फाइंड आउट करना है, यानी वेल्ड का साइज निकालना है। सॉल्यूशन, हल इस तरह से गिवन, ये दिया हुआ है पी लोड जो है एसेंट्रिक लोड ये 15 किलो न्यूटन का है, यानी कि 15 × 10⁻³ न्यूटन। शेयर स्ट्रेस, अलाउबल शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है वेल्डेड मटेरियल का अलाउबल शेयर स्ट्रेस है 80 मेगा पास्कल, यानी कि 80 न्यूटन पर एनम स्क्वायर। बी, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है बी डिस्टेंस, दोनों वेल्डेड मटेरियल के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 80 mm। नाउ लेंथ ऑफ वेल्ड, एल इज इक्वल टू 50 mm, सिंगल लेंथ ऑफ वेल्ड जो है ये 50 mm एल, और एसेंट्रिक डिस्टेंस जो है वो 125 mm। ये लोड से जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो डिस्टेंस है ये 125 mm है। नाउ लेफ्ट, एस इज द साइज ऑफ द वेल्ड इन mm एंड टी इज द थ्रॉट थिकनेस। नाउ द थ्रॉट एरिया, थ्रॉट एरिया ए इज 2TL, ये जो थ्रॉट एरिया है वेल्डेड मटेरियल की मिनिमम थिकनेस पर जो एरिया है वो होगा टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस एल, टी इंटू एल, और इसी प्रकार ये टी इंटू एल ये हो गया तो 2TL हो गया ये। अब टी की वैल्यू है 0.707 इंटू एस, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पर 2 × 0.707 हो गया 1.414 एस एल, ये 1.414 एस एल की वैल्यू है 50 mm, यहाँ से यहाँ तक की जो सिंगल वेल्डेड लेंथ है वो है 50 mm की, तो ये 50 mm की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है उनको। ये 50 mm की वैल्यू प्रॉब्लम में दी हुई है कि ये जो फिगर है इसमें दिया हुआ है कि ये जो वेल्डेड लेंथ है वो 50 mm की है, इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये आया 70.7 एस mm स्क्वायर, दिस इज द थ्रॉट एरिया ऑफ द वेल्डेड मटेरियल। नाउ अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट और प्राइमरी शियर स्ट्रेस कितना है। डायरेक्ट या प्राइमरी शियर स्ट्रेस जो है इसमें जब यहाँ पर लोड 15 किलो न्यूटन का लग रहा है तो इसमें दो तरह के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, तो ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो है वो टाउ वन होगा, ये टाउ वन जो है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, इसकी डायरेक्शन ये इस तरह से है, यहाँ पर भी इस तरह से ये यूँ होगा, तो ये जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है ये होता है लोड अपॉन एरिया, लोड है हमारे पास 15 किलो न्यूटन का और एरिया है यहाँ पर ये थ्रॉट एरिया, ये वाला एरिया पी होगा 15 × 10³ न्यूटन, और एरिया जो है वो हमने ऊपर निकाला है यहाँ पर ये थ्रॉट एरिया, दिस ए इज इक्वल टू 70.7 एस mm स्क्वायर, तो यहाँ हमने एरिया की वैल्यू रख दी, दिस एरिया इज 70.7 × s, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया
212.16 upon s न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस या प्राइमरी शियर स्ट्रेस जो होगा वो होगा 212.16 अपॉन एस न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। नाउ इन फिगर वन, इस फिगर वन में फॉर सच टाइप ऑफ पैरेलल वेल्ड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे ऑफ द थ्रॉट एरिया ऑफ द वेल्ड अबाउट जी, इस जी के सापेक्ष जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस वेल्डेड मटेरियल का वो है जे इजकल टू टी इंटू एल इंटू 3b² + l² / 6। ये जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस वेल्डेड मटेरियल का यहाँ पर। तो t की वैल्यू है 0.707 इंटू एस, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। l की वैल्यू वेल्डेड लेंथ, सिंगल वेल्ड लेंथ जो है वो 50 mm है, ये रख दी। और ये जो b है ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस वेल्डेड मटेरियल की, इस वेल्डेड मटेरियल तक की जो डिस्टेंस है ये है 80, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 80 mm। ये 80 mm ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और l जो सिंगल वेल्डेड लेंथ है वो 50 है, ये सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये आता है 767095s/6। तो इस तरह से ये और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 127.16 × 10.16 mm³/4। अब चूंकि t की वैल्यू है 0.707 इंटू एस, तो ये t हमने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया था। एंड b इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल वेल्डिंग, ये जो वेल्डिंग है इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये 80 mm दी हुई है हमें, तो इसलिए हमने यहाँ एंड b इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल वेल्डिंग। तो यहाँ पर ये जो b है ये डिस्टेंस है 80 mm का इन दोनों के बीच में, तो यहाँ ये b की वैल्यू 80 रख दी है। नाउ फ्रॉम फिगर वन ए बी इज इक्वल टू 40 mm, ए बी जो डिस्टेंस है ए से लेकर के बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 40 mm है। एंड बी जी इज इक्वल टू आर वन, यहाँ से ये इधर से ये बी जी है, दिस इज आर वन, वो है 25 mm। नाउ मैक्सिमम रेडियस ऑफ द वेल्ड आर जो है जी से लेकर के ए तक की जो डिस्टेंस है वो है मैक्सिमम रेडियस ऑफ द वेल्ड, ये है आर टू। और तो आर टू की वैल्यू हो गई ए बी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू। अब ए बी की वैल्यू है 40 और बी जी की है 25, तो यह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आया हमारे पास 47.169 mm। तो आर टू इज इक्वल टू 47.169 mm। तो ये आर टू की वैल्यू जो है ए जी की वैल्यू जो है वो है 47.169 mm। नाउ सेकेंडरी शियर स्ट्रेस ड्यू टू द टर्निंग मोमेंट, अब दूसरा इसमें टर्निंग मोमेंट के कारण, टर्निंग मोमेंट कितना है 15 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 125, ये टर्निंग मोमेंट है। तो इस टर्निंग मोमेंट के कारण इसमें सेकेंडरी शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, और वो सेकेंडरी शियर स्ट्रेस क्या है टाउ टू, जो कि आर टू डिस्टेंस पर है। पॉइंट ए पर सपोज हम मानते हैं कि आर टू डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर सेकेंडरी शियर स्ट्रेस टाउ टू प्रोड्यूस हो रहा है। ये टाउ टू जो है, दिस टाउ टू इज इक्वल टू टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ टू अपॉन आर टू। तो ये R2 को हम यहाँ ऊपर ले गए, तो T की वैल्यू है P इंटू ई, तो ये हो गया P इंटू ई इंटू R2 अपॉन J, J इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, A इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड और P इज द एसेंट्रिक लोड और R2 इज द डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज R2। पॉइंट A की जिसे जो डिस्टेंस है वो R2 है। अब P है 15,000 newton, e की वैल्यू है 125, एसेंट्रिक डिस्टेंस जो है
वो 125 है, जी से लेकर के एसेंट्रिक लोड तक की जो डिस्टेंस है वो 125 एम एम है। आर टू है 47.169 और जे की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट किए, दिस इज 127,849.16 इंटू एस एम एम की पावर 4। तो ये जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 691.78 अपॉन एस न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। दिस इज द टाउ टू सेकेंडरी शीयर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द वेल्डेड मटेरियल ड्यू टू द टर्निंग मोमेंट ऑफ द एसेंट्रिक ड्यू टू द टर्निंग मोमेंट एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू। यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है टाउ वन और टाउ टू के बीच में, तो ये जब थीटा एंगल है और तो ये वाला एंगल भी जो है ए जी बी एंगल ए जी बी ये भी थीटा होगा। तो ये कॉस थीटा जो है दिस इज आर वन अपॉन आर टू, ये आर वन है और ये आर टू है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, आधार तो हो गया आर वन और कर्ण हो गया हमारे पास ये आर टू। तो इस तरह से आर वन की वैल्यू है हमारे पास 25 और आर टू की वैल्यू है 47.169, ये सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास कॉस थीटा आया 0.53। नाउ रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाउ वन का स्क्वायर प्लस टाउ टू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ टाउ वन टाउ टू इंटू कॉस थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस। अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे टाउ वन और टाउ टू का कि रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना है, तो ये होता है दिस रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है ये शियर स्ट्रेस दिया हुआ है 80 मेगा पास्कल, जो वेल्डेड मटेरियल है इसका शियर स्ट्रेस है 80 मेगा पास्कल, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और टाउ वन की वैल्यू हमने निकाली थी 212.16 अपॉन एस, ये सब्स्टिट्यूट कर दी और टाउ टू की वैल्यू हमने निकाली थी 691.78 अपॉन एस, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया इनटू टाउ वन टाउ टू की वैल्यू यहाँ रख करके और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 0.53 हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब चूंकि एस को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो ये बाहर आ गया और अंदर की ये वैल्यू आई। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 824.1 अपॉन एस। अब ये हुआ एस सी 80 बराबर 824.1 बटा एस, तो यहाँ पर साइज ऑफ वेल्ड एस की वैल्यू हो जाएगी 824.1 डिवाइडेड बाई 80, तो ये आया हमारे पास 10.3 एम एम, दिस द आंसर। तो साइज ऑफ वेल्ड हुआ 10.3 मिलीमीटर, वेल्डिंग का जो साइज है वो है 10.3 मिलीमीटर। इसमें रेफरेंसेस हैं ये टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिजाइन बाय आर एस कुलमी एंड जे के गुप्ता और दूसरा रेफरेंस है फ्रॉम इंटरनेट। थैंक यू।